ज्ञानवापी परिसर में कल ये फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाएगा कि क्या हिंदू पक्ष को शिवलिंग की पूजा करने की, आरती करने की और भोग करने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दें, पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने इस बाबत एक याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसी बीच एक बड़ा दावा सामने आया है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को लेकर। जी हाँ, यह दावा दरअसल काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय ने किया है। उनका कहना है कि जो वस्तु मिली है ज्ञानवापी में वो दरअसल शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वह छोटे होते थे तब उन्होंने इस फव्वारे को देखा भी था, बहुत करीब से देखा है और बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा ये भी किया है कि उन्हें ये बताया गया था कि यह फव्वारा है, लेकिन उन्होंने इस फव्वारे को चलते हुए कभी नहीं देखा। महंत गणेश शंकर उपाध्याय के इस बयान को जहां एक तरफ वामपंथी दल जीत बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फव्वारा तो वहां पर था 50 साल से, लेकिन उन्होंने कभी इस फव्वारे को चलते हुए नहीं देखा। सवाल ये है कि आखिर अगर 50 साल से एक फव्वारा कहीं लगाया गया है और चलाया नहीं गया तो उसका यूज़ क्या है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि मुगल काल में इस प्राचीन मंदिर को तोड़ा ही गया था। हाल फिलहाल यूं तो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर, लेकिन जितने भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो कुल मिलाकर इस पक्ष में गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, एक मंदिर था। हाल फिलहाल कल एक बड़ा फैसला आने वाला है कि पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलेगा या नहीं मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।